हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसीए पिंक टी20 चैलेंजर्स की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर ईएमई मतलब टीम एमरल्ड वर्सेस टीम रबी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ जीटीएल टी20 जो कि आज से शुरू होने वाला है, ओडिशा टी20 जो कि आज से शुरू होने वाला है, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर एमसीए टी20 भी कवर कर रहे हैं। तो मतलब ये सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे, तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1:45 पर सनातना धर्मा कॉलेज ग्राउंड अलापूजा केरला में खेला जाएगा। अभी देखो ये जो मैच है मैंने 1:45 लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। हालांकि मैच को स्टार्ट 1:45 पर ही होना है, लेकिन सुबह में जो पहली मैच थी वो 9:45 पर शुरू होनी थी, लेकिन अभी 11:19 हुई है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुई। तो इसके लिए अगर वो मैच स्टार्ट हो जाती है तो ये मैच थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी। अगर उस मैच को अबैंडन किया जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये मैच जल्द ये टाइम के ऊपर ही स्टार्ट हो जाएगी। एवरेज यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बनते नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर 120-140 वैसे स्कोर बनते हैं, लेकिन वुमन मैचेस है और ज़्यादा स्कोर एक्सेप्टेबल है नहीं। बाकी चेजिंग करने वाली टीम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस जीतकर पहले चेज करना पसंद करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ईएमई की, तो ईएमई की तरफ से यहाँ पर एमपी वैष्णव और निया नाजनीन दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। देखो एमपी वैष्णव पिछली टूर्नामेंट के अंदर खेली थी, विकेट कीपर बल्लेबाज है और रेगुलर आपको आपको ठीक ठाक एडवांटेज देंगे, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आप लोग यहाँ पर एमपी वैष्णव को ले सकते हैं। अभी ऐसे दो प्लेयर हैं, एक यहाँ पर निया नाजनीन और नीला जॉन्स, जो कि इससे पहले यहाँ पर केसीए पिंक टी20 के अंदर खेले नहीं है दोनों के दोनों, लेकिन निया नाजनीन एक ओपनर बल्लेबाज है और साथ ही में यहाँ पर 3-4 ओवर्स की गेंदबाजी भी पूरी करवाएगी। 9 मैच के रिकॉर्ड्स की बात करें तो करीब 17 के एवरेज से 135 रन है, 19 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट भी निकाली हुए, तो डेफिनेटली आप लोग इस प्लेयर को लेके जाएंगे। नीला जॉन्स की बात करें तो इनके एक ही मैच के रिकॉर्ड मिले जहाँ पर इन्होंने ओपनिंग करवाया था, विकेट कीपर बल्लेबाज है और वहाँ पर इन्होंने 15 रन किए थे, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक ही मैच का स्कोर कार्ड मिला है, बाकी इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिली नहीं है। तो अगर रिस्क लेना चाहो तो ट्राई करिएगा, बाकी स्मॉल लीग के लिए आई थिंक थोड़ा सा रिस्क रहेगा इनको लेके जाना। हालांकि ये दोनों आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड भी साबित हो गया, क्योंकि इन दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी किसी के पास हो गई नहीं। मोहनन दर्शनन वेरी इंपॉर्टेंट पिक एज अ प्लेयर के साथ, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इनके अलावा से गोपिका गायत्री देवी ओके ओके रहेंगी, इनको आप लोग जीएल में ट्राई करोगे। इनके अलावा से बी सौपर्णिका ये भी ठीक ठाक है यहाँ पर, इनको भी आप लोग जीएल में ट्राई करोगे। बाकी अलीना शिबू को आप लोग रिस्क ले सकते हैं, हालांकि ये पूरी ओवर्स करवाएगी, लेकिन पिछली बार ठीक ठाक यहाँ पर कई मैच के अंदर एक एक ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने 2-3 विकेट निकाली थी, तो ध्यान में रखिएगा इस प्लेयर को, कभी भी यहाँ पर 2-3 विकेट निकाल के दे सकती है। इसके अलावा इसका ए रंजूसा एक विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन इनकी भी पिछली टूर्नामेंट इतनी अच्छी नहीं गई, तो इन दोनों में किसी एक के ऊपर रिस्क जरूर लीजिएगा, यहाँ पर अलीना शिबू और यहाँ पर ए रंजूसा, खासतौर पर यहाँ पर शिबू के ऊपर। बाकी मृदुला सुरेश वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्टेट लेवल की प्लेयर है और अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पर विकेट वगैरह, और रेगुलर आपको 1-2 विकेट निकाल के देगी, और बैटिंग भी अगर बैटिंग आई तो बैटिंग से भी आपको ठीक ठाक एडवांटेज दे सकती है। इनके अलावा ऐसे के के अपर्णा का पिछला टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं गया, हालांकि इन्होंने आखिरी में जबरदस्त कमबैक किया था 3 विकेट निकाल के, तो रिस्क ले सकते हैं। बाकी सेम चीज़ यहाँ पर श्री कृष्ण हरिदास के ऊपर भी है, इन्होंने भी यहाँ पर पिछली टूर्नामेंट के अंदर ठीक ठाक एडवांटेज दिया था, लेकिन रेगुलर पिछली 2 मैच के अंदर विकेट नहीं मिली थी, इसके पहले इन्होंने रेगुलर 5 मैच के अंदर लगातार विकेट निकाली थी, तो इनको ध्यान में रखिएगा और हो सके तो यहाँ पर श्री कृष्ण हरिदास को लेके जाइएगा। बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में ही देने वाला हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बेंच में से कौन खेल सकता है, तो बेंच में से आई थिंक यहाँ से एक तो बिनिशा खेल सकती है, ये आपको अगर खेलती हुई नजर आए तो ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से एडवांटेज दे सकती है। इनके अलावा ऐसे ए अदिला ये अगर खेलेगी तो 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकती है। इनके अलावा ऐसे तीर्था सुरेश, इन तीनों में से कोई भी एक आदि प्लेयर खेलती हुई नजर आएगी।
रवि की बात करते हैं तो रवि की तरफ से आप सबु मालविका और शनि शशिधरन दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। देखो बैटिंग ऑर्डर तो यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि बैटिंग ऑर्डर है जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में यहाँ पर इम्पोर्टेंस हमारे लिए शिबु मालविका रहेंगे क्योंकि ये कंसिस्टेंट आपको बैटिंग से एडवांटेज देंगी, तो इनको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा से शनि शशिधरन जो कि एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की डिफॉल्ट पिक रहेगी, काफ़ी तगड़ी मारती है यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर। हालांकि पिछली बार ठीक ठाक एडवांटेज रहा था इनका, जब स्टेट लेवल की मैचेस खेली थी वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था, लेकिन इस मैचेस के अंदर और इस टूर्नामेंट के अंदर गजब का परफॉर्मेंस रहता है। एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इनके अलावा से गणेश दिया ने पिछली टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत अच्छा दिया, इसके बाद इनका पिछला दो मैच इतना अच्छा नहीं किया स्टार्टिंग के, तो एज अ प्लेयर ऐसे लेके जाना बनता है इनको। इनके अलावा से जेएस दीप्ति वेरी इंपॉर्टेंट पिक, विकेट कीपर बल्लेबाज, डेफिनेटली लेके जाना, इनको ड्रॉप नहीं करना है। इनके अलावा से सबिन मरियम केजिया, देखो इस प्लेयर के ऊपर किसी की नज़र है नहीं लेकिन ओवरऑल ये कई कभी कभार अच्छे परफॉर्मेंस जरूर दे देती, ध्यान में रखिएगा इनको, रिस्क के तौर पर जीएल में ट्राई करोगे। एसआर उर्वशी ठीक ठाक है, ये भी यहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही, इनसे भी मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं। इनके अलावा से अभिरामी बिनू, ये आप दो से तीन ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं लेकिन विकेट टेकिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। इनके अलावा से पोट्टी मनस्वी का भी पिछला टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं गया, इन्होंने ओवर्स तो हर एक मैच के अंदर करवाई थी पिछली बार लेकिन विकेट उनको एक भी मैच के अंदर नहीं मिली थी। इनके अलावा से विजय जोशी था, इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना है हमें, ये इनसे मुझे उम्मीद है, एक दो विकेट्स की इनसे उम्मीद है, इनको डेफिनेटली हमें लेके जाना है। इनके अलावा से सीके नंदना भी यहाँ पर दो से तीन ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करेगी, तो यहाँ पर देखो विजय जोशीता और सीके नंदना इन दोनों में से किसी एक को, या फिर अगर ले सको तो दोनों को अपनी टीम का हिस्सा जरूर बनाना क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर विकेट टेकर गेंदबाज है, कभी भी यहाँ पर दो तीन विकेट भी निकाल सकती है। इनके अलावा ऐसे सीजल विजय ने पिछली बार दो मैचेस खेले थे और दोनों ही मैच के अंदर विकेट निकाली थी लेकिन ओवर सिर्फ दो दो करवाई थी, ओवरऑल चार मैच के अंदर इनके तीन विकेट हैं और वो भी यहाँ पर ODD के अंदर। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो जल्दी से आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। यहाँ पर कौन खेल सकता है, तो एक है यहाँ पर फातुम फेबा अगर खेलेंगे तो इनका बैटिंग ऑर्डर तो कोई फिक्स नहीं, लेकिन कई बार ये ओपनिंग करवा लेती है, कई बार चौथे नंबर पर आ जाती है, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं शायद अगर खेले तो। बाकी अंजू राजन भी खेलेगी तो ठीक ठाक रहेंगी। अभी के लिए हम लोग हमारी डिफॉल्ट टीम देख लेते हैं, डेमो टीम देख लेते हैं कि कौन सी प्लेयर को हम लोग लेके जा रहे हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि EB विस्मया, इन्होंने पिछली बार टूर्नामेंट के अंदर चार मैच खेली थी जिसमें से ज़्यादातर इन्होंने ओपनिंग में बैटिंग की थी, तो ये अगर खेलती तो बहुत बड़ा रिस्क रहेगा आपके लिए। अभी के लिए देख लेते हमारी टीम कौन सी रह सकती है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोग यहाँ पर दीप्ति के साथ जाएंगे, बाकी तो अदर ऑप्शन थोड़ा आया से वैष्णव बेस्ट ऑप्शन है, आई थिंक यहाँ पर दीप्ति की जगह पर आप लोग वैष्णव को भी ले सकते हैं लेकिन दीप्ति सेफ रहेगी। इनके अलावा ऐसे बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर गणेश दिव्या और मालविका को मैंने लिया है, बाकी यहाँ पर और कोई चॉइस तो इतना रिस्की है लेकिन अगर आप लोग तीन प्लेयर को लेना चाहो तो यहाँ पर जे जिस्ना और मरियम केजिया, इन दोनों में किसी एक को आप लोग ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर शनि शशिधरन है, इनके अलावा ऐसे मोहनन दर्शना है, इनके अलावा ऐसे एन नाजनीन हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड है। इनके अलावा ऐसे अभिरामी बिनू इनके ऊपर भी रिस्क ले सकते हो आप लोग यहाँ पर, और मोहनन दर्शना के ऊपर खास ध्यान रखना है हमें। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर मृदुला सुरेश है, के अपर्णा है, सीके नंदना इनके साथ यहाँ पर शिबू अलीना और इनके साथ यहाँ पर विजय जोशीता हमारे लिए एक रिस्क है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर जोशीता की जगह पर यहाँ पर रिस्की ऑप्शन एक और यहाँ पर पी मनस्वी या फिर रेंजुसा, इन दोनों में किसी को ट्राई कर सकते हैं। जो लोग सेफ जाना चाहिए यहाँ पर अभिनाशी बिनू को ले सकते हैं, तो मैं भी वही कर रहा हूँ यहाँ से बिनू को ले रहा हूँ क्योंकि रिस्क रहेगा। जो लोग यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पर विजय जोशीता को ट्राई कर सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान हमारे रहेंगे शनि शशिधरन और वाइस कैप्टन में यहाँ पर दर्शना को ही करूँगा, सेफ जाएंगे हम लोग। बाकी टीम को जिस तरह से रहेगी इसमें कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे तो फाइनल टीम टेलीग्राम में दूंगा मैं आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं।
एक और चॉइस है यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए, आप लोग अदर प्लेयर को अगर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर मिलिंदा सुरेश को नाजन इनको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी देखो पूरा वीडियो देखते रहो, आपको और भी कई सारी डिटेल्स यहाँ पर मालूम पड़ेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप लोग अच्छी से अपने खुद की टीम बना सकोगे और अच्छी टीम बनाओ के यहाँ पर अच्छी खासी विनिंग कर सकोगे। तो वही करना है आपको, पूरा वीडियो देखो और अच्छी खासी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।